हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे फिनविशिया के डेस्कटॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। पर उसके पहले जिन लोगों को ये नहीं पता कि फिनविशिया क्या है और उसके लिए मैं बताऊंगा कि ये एक शेयर मार्केट से रिलेटेड स्टॉक ब्रोकर है जो पूरी तरह से फ्री है, मतलब किसी भी सेगमेंट में कोई भी चार्जेस नहीं लेता, चाहे वो डिलीवरी हो या फ्यूचर एंड ऑप्शन हो। इसमें एक भी रुपया चार्जेस नहीं करता एक्सेप्ट जो फीस होती है NSE की, उसे छोड़ दे तो। इसके अलावा आप अगर अदर प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस, मतलब 20 रुपीज़ पर ट्रेड, या उनके कुछ हिडन चार्जेस होते हैं जो उनको मतलब जो आपसे पेड करते हैं, वो चीज़ फिनविशिया नहीं करता। मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा कि क्या है, हम सारे के सारे कैलकुलेशन करेंगे कौन सा स्टॉक ब्रोकर कितने चार्जेस लेता है डिलीवरी सेगमेंट में, वो भी डिस्काउंट ब्रोकर्स, क्योंकि फिनविशिया एक डिस्काउंट ब्रोकर है तो मैं कंपेयर डिस्काउंट ब्रोकर से ही करूँगा। हालांकि फिनविशिया अभी भी एक बेटा वर्जन में है, अभी अभी इसकी स्टार्टिंग है, ज़्यादा देर नहीं हुआ है, और फिर भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया में और ज़्यादा लोग इसका अभी भी यूज़ नहीं करते बिकॉज इनको पता ही नहीं है कि फिनविशिया नाम का कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। हालांकि इसका प्लेटफॉर्म काफ़ी स्मूथ है एज अ डेस्कटॉप वर्जन के लिए एज़ कम्पेयर टू मोबाइल, क्योंकि इसमें अभी भी बग्स और एरर है जैसे बाकी स्टार्टिंग फेज़ में प्लेटफॉर्म्स थे। ज़ीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, इनके प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छे नहीं थे, उनके में भी काफ़ी सारे बग्स थे जो उन्होंने रेक्टिफाई करके सॉल्व किए हैं और अपने प्लेटफॉर्म को काफ़ी स्मूथ बनाया है। उसी तरह से शून्य ऐप भी अभी स्टार्टिंग फेज़ में है तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, बट चार्जेस के मामले में इससे सस्ता आपको कहीं और नहीं मिलेगा ऑल ओवर इंडिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में, और इस एप्लीकेशन का नाम है शून्य, जो आप ये देख सकते हैं मैंने इसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑलरेडी ओपन करके रखा है। हालांकि मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूँ, ज़रा सा चार्जेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। फिनविशिया की आप देख सकते हैं, अगर मैंने एक डिलीवरी इक्विटी में लिया है, डिलीवरी में लिया है, 158 पे प्राइस था, 180 पे था, 500 क्वांटिटीज ली है, तो मुझे टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेड 176 रुपीज़ पड़ता है सेबी के चार्जेस और ट्रांजैक्शन चार्जेस सारे मिला के। वही चीज़ अगर अपस्टॉक्स में देखूँ तो मुझे 201 रुपये के लगभग ब्रोकरेज मुझे देना पड़ता है। वही मैं ज़ीरोधा की बात करूँ तो 187.9 रुपीज़ मुझे ज़ीरोधा को देना पड़ेगा, और जो एंजल वन है जहाँ पे एंजल ब्रोकिंग के नाम से भी जानता है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं जो आप देख सकते हैं, और मैं नहीं चाहता कि इतने ज़्यादा चार्जेस आप लोग, अब अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो खुद से स्टडी करके स्टॉक्स लेते हैं तो आपको एक फुल ट्रेड ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से डिसीजन लेते हो तो। हालांकि इन सभी प्लेटफॉर्म में अगर फिनविशिया छोड़ दिया जाए तो सब में ही AMC चार्जेस पर ईयर के होते हैं, एक्सेप्ट आपने जिस ईयर को इसको लॉगिन किया है, अपना अकाउंट ओपन किया है, उस साल का बस आपको AMC चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, इसके बाद आपको हर साल उसके AMC चार्जेस देने पड़ेंगे जो 250 रुपये से लेके 450-500 रुपये तक है पर ईयर के, जो फिनविशिया में आपको नहीं देने पड़ेंगे। सेबी अपने चार्जेस तो लेगी ही, बट उसके अलावा ये जो ब्रोकर है जो एक्स्ट्रा कमीशंस लेते हैं वो आपसे नहीं लिया जाएगा। इसमें आप अगर देखें तो हर सेगमेंट में कॉल एंड ट्रेड हो, FNO हो, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, BSE, NSE, कमोडिटी मार्केट हो, हर चीज़ में आपसे ज़ीरो चार्जेस लिए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है एक स्टॉक ब्रोकर की। इसमें तीनों वर्जन्स में अवेलेबल है मोबाइल के लिए, चाहे वो आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, उसके अलावा आपके डेस्कटॉप्स के लिए भी, और जो वेब प्लेटफॉर्म है उसके लिए भी। मैं इन वेब और डेस्कटॉप्स के बारे में थोड़ी सी कंपैरिजन आपको ज़रूर बताऊंगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इन्होंने लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिनविशिया के वेब और डेस्कटॉप वर्जन के एप्लीकेशन की जानकारी के बारे में। देखते हैं अब कि
कि किस तरह से है। ये मैंने हिंडाल्को के 23 स्टॉक्स लिए थे, तो इसके अंदर आप अगर देखें तो ग्रुप्स हो गया ट्रेडिंग, आप इसमें ऑर्डर्स के बारे में काफ़ी लिस्ट्स है, ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा डे टू डे लाइफ के बेसिस पे। उसके अलावा वेबलिंक्स, पे इन पे आउट, IPOs कौन से आ रहे हैं कौन से नहीं, उसके बारे में काफ़ी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। और इसके अलावा हेल्प में आपको इसके जो शॉर्टकट कीज़ हैं उसके बारे में भी काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी कि अगर आप ये शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको माउस इधर उधर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वन क्लिक में आपका काम हो जाएगा और जल्द से जल्द बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर आप कीपैड पे कीबोर्ड पे कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये है वॉच लिस्ट जो मैंने बनाई है। यहाँ पे आप अगर कोई भी एप्लीकेशन का नाम लिखते हो, जैसे मैं लिखता हूँ 5paisa, तो देखिए आप 20 माइक्रोन्स तो नहीं आना चाहिए था, 5paisa, तो ये आया 5paisa। और मुझे इस स्टॉक को यहाँ से हटाना है, तो इस प्लेटफॉर्म में अब हम देखते हैं कि अगर मैं हिंडाल्को के शेयर्स और बाय करना चाहता हूँ तो मैं अगर प्लस के एंटर बटन शिफ्ट मतलब दबाऊंगा तो बाय करूंगा वन क्लिक, और मुझे सेल करना है तो वन क्लिक में सेल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने होल्डिंग्स पे रखे हैं अपने शेयर्स तो थोड़ी सी आपको यहाँ पे इंटरनली इसको बाय और सेल के लिए करना होगा, जो EDIS पिन है उसको हेल्प में लेना पड़ेगा, और उसके लिए आपको स्टॉक के होल्डिंग सेशन में जाना पड़ेगा। होल्डिंग सेशन शायद से ठीक है, हम एक एक कवर करेंगे, तो आपको होल्डिंग शायद से ये रहा, और ये रहा होल्डिंग, और इस पे आप जाके इसको सेल कर सकते हैं और आपका इजीली सेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा हम अपने ट्रेड बुक पे चलते हैं, तो ये है, और इसमें हम चार्ट देखते हैं, क्योंकि देखिए इस अगर आप किसी भी शेयर पे क्लिक करते हैं राइट क्लिक, तो आपको नॉर्मल ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट जैसे लिस्टेड स्क्रिप्ट सर्च करने हो, दो तरह के चार्ट से यहाँ पे। अब नॉर्मल चार्ट देखें, शिफ्ट प्लस सी, ये है नॉर्मल चार्ट, और दूसरा एक चार्ट है जो वेब चार्ट कहते हैं, तो ये अच्छा है वेब चार्ट, मतलब इन्होंने वेब एप्लीकेशन को इसके जो डेस्कटॉप एक सी फाइल है उसके अंदर ही डेस्कटॉप वर्जन को इंस्टॉल कर दिया है। तो ये रहा वो डेस्कटॉप वर्जन जिसको इन्होंने यहाँ पे, अगर आप डेस्कटॉप वर्जन भी देखें तो इसका यही है डेस्कटॉप यानी वेब वर्जन, तो अगर आप देखें अच्छे से तो इसके ऑर्डर पोजीशन, तो यहाँ पे हिंडाल्को है, यहाँ पर उसका चार्ट है, चार्ट क्लिक कर, तो ये रहा चार्ट जिसमें आपको प्राइस रेंज देखेगी, और आपको इसके अलावा अगर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखना हो तो वो भी देख सकते हैं, वो मैं दिखाता हूँ। उसके लिए आपको अपने प्रोफाइल पे जाना होगा, ऑर्डर प्रेफरेंस पे जाना होगा, ऑर्डर प्रेफरेंस से लेके आपको एक मिनट जरा रुकिए, चार्ट प्रेफरेंस पे जाना होगा, चार्ट प्रेफरेंस ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है उस पर टिक करना होगा, और उसके बाद डैशबोर्ड या आपके ऑर्डर्स वाले सेशन में आके हिंडाल्को पे मैंने अगर चार्ट पे क्लिक किया है तो मुझे ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है वो शो होगा, ना कि नॉर्मल। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इन्होंने दोनों तरीके के चार्ट्स यहाँ पे दिए हैं स्टडी करने के लिए। इसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं जो नॉर्मल चार्ट्स में आपको नहीं मिलेंगे, और इसके अलावा निफ्टी का भी हम चार्ट यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और SBI का भी निफ्टी का चार्ट तो आना चाहिए था। वेल
ये क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, मैं एक चीज़ दोबारा से देखता हूँ। यहाँ पे अगर मैं चार्ट्स पे जाता हूँ तो क्या मुझे निफ्टी का चार्ट दिखेगा या नहीं? तो ठीक है, इस बारे में बाद में देखते हैं। अब ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू दोनों चीज़ें हम ज़रा से डिस्कस करें इसी प्लेटफॉर्म में। आप वेब प्लेटफॉर्म को इधर मतलब कि डेस्कटॉप वर्जन में यूज़ कर रहे हैं, ग्रिड व्यू में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो वॉच लिस्ट है उसको भी आप ग्रिड व्यू में यहाँ से देख सकते हैं। मुझे हिट लिस्ट का ऑप्शन मिल नहीं रहा, बट मुझे पता है कि यहाँ पे ऐसा किया जा सकता है करके। उसके अलावा आप ऑप्शन चेन भी यहाँ पे देख सकते हैं। NFO हो गया, फ्यूचर वाले जो स्टॉक्स थे उनके बारे में, उनकी यहाँ पे, और यहाँ पे डेप्थ कितनी चाहिए आपको वो भी आप डिसाइड करके देख सकते हैं। तो ये प्राइस रेंज और उनकी जो वैल्यूज़ हैं आस्क और बिड प्राइसेस, उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस पर अगर आपको पुट खरीदना हो या कॉल खरीदना हो तो आप इधर क्लिक कीजिए, आपके जो प्राइसेस हैं और ये जो प्राइसेस की रेंज है इधर साइड की, यहाँ से आप जाके इस पर अगर आप सी प्लस दबाते हैं तो आपको यह आपकी चार्जेस की मतलब प्राइसिंग वगैरह कॉल साइड की पता चल जाएगी। उसके अलावा पुट में भी उसी तरीके से आप बाय कर सकते हो। इधर जाइए, प्लस एंटर, आपको वही एंटर अमाउंट मिल जाएंगी। तो इस तरह से इसका मतलब। तो उसके अलावा स्नैप क्यू, यहाँ पे आपको बाइंग और बिडिंग और सेलिंग के बारे में और कुछ जानकारी मिल जाएंगी। उसके अलावा टॉप गेनर और टॉप लूज़र के बारे में भी आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ जानकारी मिल जाएंगी। वॉल्यूम के LTP कितनी है, वैल्यू कितनी है उसके बारे में, और यहाँ पर रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इसके लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है। और ट्रेडिंग हो गया, वेब लिंक हो गया, आप इसको एक सी फाइल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वो भी वहाँ पे लाइव चार्ट दिखाएगा। उसके अलावा वेब पब्लिकेशन हो गया, मार्जिन व्यू लिमिट्स, एक 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 चीज़ आपको यहाँ पे एक मार्जिन कितनी है आपकी उसके बारे में भी बताया गया है। वो भी एक अच्छा आपको व्यू लुक मिले उस बेसिस पे अगर आप देखें तो। इसमें एक काफ़ी ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया गया है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी मार्जिन्स कितनी है, आपकी लिमिट्स कितनी है कैश सेगमेंट में, आपकी पोजीशन बुक, आपकी होल्डिंग्स, नेट ट्रेड बुक, सारी चीज़ें अच्छे से हैं। बास्केट ऑर्डर्स मतलब आप बल्क में जब कोई ऑर्डर प्लेस करते हो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा आपकी जो नॉर्मल जो लिस्ट है वो जहाँ पे आपके स्टॉक्स आप हमेशा वॉच करते रहते हो वो। उसके अलावा हमने चार्ट्स में भी काफ़ी कुछ देख चुके हैं हम। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर विजिट करें, इसके बारे में और जानकारी आपको मिल जाएगी। इसकी वेबसाइट आप विज़िट करें, finvestia.com की तरह है, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट्स, और डिस्काउंट्स मीन ज़ीरो ही है, डिस्काउंट्स क्या बोलेंगे उसको, आपको पूरे की पूरी वैल्यू इन्वेस्टिंग आपकी ज़ीरो है, का मतलब फ्री है ये हर तरीके से। बस आपको सेबी के चार्जेस देने पड़ेंगे, उसके अलावा सब कुछ फ्री है। या आप एक कैलकुलेटर भी हैं जिससे आप अपने जो प्राइजेस हैं उनको कैलकुलेट कर सकते कि फ्यूचर ऑप्शंस में कितना है, करेंसी कमोडिटी गवर्नमेंट चार्जेस कितने लगेंगे उसके बारे में भी पूरी जानकारी है। नो हिडन कॉस्ट, कोई हिडन कॉस्ट यहाँ पे नहीं दिया जाता, अब सारे के सारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन अबाउट फिनविशिया के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में और इसके कुछ जानकारी। और मैक्सिमम तो मैं यहाँ पे सिर्फ बाय और सेल के पोजीशंस पे ही टिका रहता हूँ। इसके अलावा वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म भी यहाँ इंक्लूड ही है, तो ये ज़्यादा बेटर है। और इसकी काफ़ी सारी जानकारी आपको इसके वेबसाइट पे मिल जाएगी।
प्लीज विजिट, एंड ज़रूर से आप इसके जो प्लेटफॉर्म है उस पर आप अकाउंट अपना ओपन कीजिए, क्योंकि फुल ऑफ फ्री है, तो आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए या फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए इनका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कम से कम पैसों में। सभी के चार्जेस देना है बस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली बार किसी और टॉपिक पर।